हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे। अगर कहीं से हम लोग कोई चीज़ वस्तु परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, और अगर हमको लाने में अगर जो ट्रांसपोर्ट खर्च लगता है, जो भी मेरा भाड़ा लगता है, उस चीज़ को हम लोग कैसे उसका एंट्री करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि उसका एंट्री कैसे पास होगा। यानी अगर हम लोग 10,000 का गुड्स खरीदा है और उस पर अगर 2,000 रुपये जो मेरा भाड़ा लग रहा है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे एंट्री होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। नॉर्मली परचेज का एंट्री हम लोग करेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं एक लेजर बना लेता हूँ। क्रिएट में चलेंगे और यहाँ पर लेजर, और यहाँ पर मैं एक लेजर बना लेता हूँ राम ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। और इसका ग्रुप हो जाएगा सैंड्री क्रेडिटर्स। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको, और जैसा कि मैं परचेज कर रहा हूँ तो एक परचेज का भी लेजर बनेगा, और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। और एक हम लोग भाड़ा का लेजर बनाएंगे, जैसे कैरेज चार्ज हो सकता है, फ्राइट चार्ज हो सकता है, यानी जो भी जिस तौर से आप ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी अलग से आपको भाड़ा लग रहा है उसको आप एक लेजर बना लीजिएगा। जैसे मैं फ्राइट चार्ज का बना लेता हूँ, ये मेरा भाड़ा लग रहा है, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मेरा ये खर्चा है एक तरह से, क्योंकि हम लोग जो भाड़ा देंगे वो मेरा खर्चा ही होगा, तो इसलिए मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद सिंपल एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक आइटम में चलते हैं, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डेल लैपटॉप, और इसका ग्रुप मैं रख लेता हूँ अल्ट सी करके, मैं बना लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ अल्ट सी, और यहाँ पर इसका ग्रुप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें मैं जीएसटी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली ऐसे ही एंट्री मार रहा हूँ, आप लोग चाहे तो जीएसटी अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा PCS ले लेंगे, और यहाँ पर कोड ले लेंगे, यूनिट कोड PCS, तो PCS का हो जाएगा PCS ले लेंगे, और एक्सेप्ट इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं एंट्री करने, तो चलेंगे भाउचर के अंदर, और भाउचर के अंदर जाने के बाद F9 करेंगे, परचेज कर रहे हैं तो F9, और यहाँ पर पार्टी नेम पूछ रहा है तो पार्टी नेम ले लेंगे राम ट्रेडर्स। पार्टी का डिटेल्स है, अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राम ट्रेडर्स का डिटेल्स है, ये सब एड्रेस है पूरा उसका डाल सकते हैं, GST नंबर है ये भी आप डाल सकते हैं। चलिए यहाँ परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर ले लेंगे, देखिए साइड में शो कर रहा है आपका। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में हमारा डेल था, तो डेल लैपटॉप ले लेते हैं, और क्वांटिटी इसका ले लेते हैं 10, और रेट हो जाता है आपका 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये पर लैपटॉप है आपका, ये 3,00,000 का हो गया। और अब इंटर करते हैं, फिर एक बार इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फ्राइट चार्ज। देखिए इंटर करते हुए ध्यान देना है कि जैसे देखिए इंटर, जैसे भी मेरा कर्सर आपका यहाँ अमाउंट पे शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि इंटर एक बार कीजिएगा तो ये दूसरे आइटम के लिए यहाँ पर खुलेगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है दूसरे आइटम के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दूसरा आइटम नहीं है तो आगे बढ़ना है, एक बार और इंटर प्रेस करना है। एक बार और इंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर खुल जाएगा आपका लिस्ट ऑफ लेजर। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको ले लेना है फ्राइट चार्ज, ठीक है। तो मैं फ्राइट चार्ज पर जाता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए मैं जैसे ही फ्राइट चार्ज पर इंटर करूँगा तो कर्सर मेरा यहाँ आ गया रेट के सामने। देखिए यहाँ पर ये किसके सामने है, आपका रेट के सामने आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भाड़ा लग रहा है वो परसेंटेज में लग रहा है, तो आप यहाँ परसेंटेज टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट लग रहा है तो आप डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, अमाउंट अमाउंट के सामने लिखा जाएगा, अमाउंट इसके सामने लिखा जाएगा। और परसेंटेज अगर लग रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर परसेंटेज आप लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपने 3,00,000 का लिया और इस पर अगर 5% भाड़ा लग रहा है, या 2% ही लग रहा है, या 3% लग रहा है, तो आप 3 लिखकर इंटर कर दीजिएगा, तो ये 3% देखिए ऑटोमेटिक कट गया कि 9,000 रुपये इस पर किराया लग रहा है। अगर मान लीजिए आपका अमाउंट लग रहा है 2,000, 4,000, 10,000 जो भी, तो आप बैक स्पेस कीजिएगा, इस चीज़ को 3 जो लिखा है इसको हटा देना है आपको, ठीक है। और इंटर कीजिएगा, और डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा आपके पास अमाउंट के पास। अब अमाउंट में आपको डायरेक्टली टाइप कर देना है कि नहीं 12,000 रुपये हमको
किराया लगा है इसको लाने में, तो आप डायरेक्टली 12,000 भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से अमाउंट। अगर परसेंटेज में वैल्यू है तो आप परसेंटेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज डालने के लिए रेट के सामने डालेंगे, और अमाउंट डालना होगा तो आप डायरेक्टली अमाउंट के सामने आगे बढ़कर ही डालेंगे, परसेंटेज कॉलम में कुछ नहीं डालेंगे। तो इस तरह हो गया मेरा 3,12,000, और ये टोटल कितने का हो गया, तो देखिए 3,00,000 का मेरा आइटम था और 12,000 किराया लगा है, तो टोटल यहाँ पर 3,12,000 शो कर रहा है। बस इंटर करेंगे, इंटर, यहाँ पर ईबे बिल है इसको नो कर लेते हैं, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस, और राम ट्रेडर्स का हो जाएगा RT इनवॉइस नंबर 2022, सॉरी 22/2022-001। और क्रेडिट है कितने दिन के लिए उधार है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, और एक्सेप्ट। और इसका मैं प्रिंट भी आपको दिखा देता हूँ, तो पेजअप कीजिएगा यहीं पर, डायरेक्टली क्वेश्चन खुल गया, और कंट्रोल पी कर लीजिएगा, और कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पर है देखिए प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करना है, तो आई प्रेस कर सकते हैं या माउस से आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, और अल्ट जेड से जूम हो जाएगा, अल्ट जेड। तो ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए डेल आइटम है जो कि इतने का है, और आपका भाड़ा जो लगा है ये यहाँ पर शो कर रहा है, और बस आप नीचे आके अपना टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 पीस लिए हैं, 3,12,000 का, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है, मैंने जूम भी कर दिया है, 3,12,000 शो कर रहा है, और यहाँ पर 10 पीस शो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।